हेलो फ्रेंड्स, मैं मनी। जैसे कि आप मुझे जानते हो, मेरा चैनल है टेक्निकल लवली मनी चैनल, दूसरा है स्विमिंग बाय मनी। टेक्निकल लवली मनी चैनल का लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। ठंड बहुत है, सबसे पहले इस बात पे वीडियो लाइक कर देना जरूर, ठीक है। तो आज जो है 25 दिसंबर है, मैरी क्रिसमस। मेरी तरफ से सबको क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, और आपके लिए एक बहुत खुशी की न्यूज़ है, मतलब कि मेरे लिए बहुत खुशी की न्यूज़ है कि आपने इस चैनल पर इतना सपोर्ट किया कि कल रात को क्रिसमस को मुझे 50K सब्सक्राइबर हो गए, मतलब 50,000 सब्सक्राइबर हो गए। मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे मेरे मतलब कि एक दो कम थे, तो मैंने पोस्ट डाली थी, 5 सब्सक्राइबर कम थे तो मैंने पोस्ट डाली थी, वो तुरंत हो गए। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ, अभी मुझे आपने तुरंत सपोर्ट किया, और मेरा मतलब कि क्रिसमस पे मतलब कि रात को 12 बजे 50K सब्सक्राइबर हो गए, बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो चलो आज बताते हैं कि सूर्य ग्रहण का क्या मतलब कि जुगाड़मेंट चल रहा है। सूर्य ग्रहण में बहुत मतलब कि भीड़ का सिस्टम तैयार हो चुका है। अब मैं आपको दिखाऊंगा जिस एरिया में रशिया, वो सारा दिखाऊंगा। और अभी जब मैं आ रहा था तो जगह जगह मतलब कि भंडारे लगे हुए हैं, लंगर लंगर लगे हुए हैं, और पीने के वाला पानी का बंदोबस्त हो रखा है सारी जगह। रेलवे स्टेशन की साइड से आया मैं, पूरे हैं लोग आ रहे हैं, पैदल चल चल के आ रहे हैं। बाकी अभी यहाँ पे इतनी क्राउड नहीं हुआ अभी, और क्या कहते हैं, पर मैं जिस साइड से आ रहा था ना धर्मशाला में, ओवरऑल सारे रूम बुक हो रहे हैं, कई आ रहे हैं। अभी जो मैं शूट करने का मेरा टाइम है, ये अभी मैं प्रेजेंट टाइम शूट कर रहा हूँ, 3 बजने वाले, 2:45 हुए हैं। एक मिनट में पूरा एग्जैक्ट टाइम बता देता हूँ आपको, मेरा टाइम नहीं बता पा रहा, एक सेकेंड टाइम आपको किसी से पूछ के बताता हूँ, तो टाइम पूछ के मैं बता दूंगा। पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मतलब कि 5 बजे तक अभी कई जने स्नान कर रहे हैं, जैसे ये पीछे देख रहे हो ना, ये अभी स्नान करके हटे हैं, और मुझे ऐसे ही ठंड लगी जा रही है, ठीक है। तो ग्रहण है जो कल का ग्रहण का टाइम है, मैं बता देता हूँ, 8:15 पे शायद स्टार्ट होगा, मतलब कि अभी मेरे मेंबर में इतना अच्छे से नहीं है, 10:55 पे ख़त्म हो जाएगा 26 तारीख को, ठीक है। तो अभी मैं आपको टाइम पूछ के बता देता हूँ अगर किसके पास घड़ी है, ठीक है। तो अभी सारा मैं ब्रह्म स्वरूप में दिखाऊंगा कि हाँ अभी क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं और कितनी कितनी फोर्स है, ठीक है। टाइम कितना हुआ है, 2:50 हुए, मतलब कि 4-5 बजे यहाँ ज़्यादा भीड़ होगी। अभी उस एरिया में दिखाऊंगा जिस एरिया में जहाँ कई जने स्नान भी कर रहे हैं और कई जने आ चुके हैं और कई अभी आ भी रहे हैं, मतलब कि सपोज करो कई दूर से आ रहे हैं, जयपुर से आ रहे हैं, बाहर का एरिया दिखाऊंगा तो आपको समझ में लग जाएगा कि क्राउड कितना होने वाला है यहाँ पे। बाकी जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ, आपको मिल जाएगी, ठीक है। बाकी इनसे पूछ रहे हैं, ये बचाव दल से पूछते हैं कि क्या लगता है इनको अनुमान। आजा भाई इधर आजा, ये मतलब कि मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं, इनके यहीं पे रहता है, दोनों आ जाओ, दोनों लड़ते रहे होंगे। तो मुझे एक बता, बात बता दे भाई, क्या है, पहले अपना नाम बता दे। यादविंदर है मेरा नाम। यादविंदर भाई अपना नाम बताइयो। दिनेश है भाई मेरा नाम, दिनेश, ठीक है। और क्या कहते हैं, क्या लगता है तुम्हें कितनी पब्लिक आ जाएगी यहाँ पे? यहाँ पे 15 लाख का तो अनुमान है, बाकी देखो भी कब तक आ जाएगी, क्या लगता है, छोड़ दो अपने दिल से बता कि क्या लगता है कि कितनी आ जाएगी? पिछले साल के हिसाब से आनी तो चाहिए, कम से कम 10 लाख तो आनी चाहिए। मतलब कि भाई का अनुमान 10 लाख तक का है, और भाई तेरा अनुमान इतना ही है बस? और मेरा अनुमान है कि 2.5-3 लाख भी आ जाए, ये बहुत हो जाएगी, इतनी ठंड में निकलना बहुत बड़ी बात हो जाती है। पर 15 लाख का अनुमान लगा के चलते तो कम से कम 7 लाख तो कहीं नहीं गई, ठीक है। कल अगर आपने देखा होगा तो ये भाई लग रहे हुए थे बोर्ड लगाने, मतलब कि पानी के अंदर कमर सिर रहा। तो सर आपका ओवरऑल कितना स्टाफ आ रखा है यहाँ पे? हमारा तो जी यमुनानगर से आया, होमगार्ड से, हमारे तो 400 बंदे आ रखे हैं। नहीं मतलब कि ओवरऑल जो पुलिस फोर्स आ रखी है, मतलब की ओवरऑल कितने आ रखे हैं? 5,000 के आसपास। 5,000 आ रहे हैं ना, तो कल मैंने पूछा भी था, तो 5,000 के आसपास आ रखे है, पुलिस फोर्स आ रखी है। बाकी किस्तियाँ कितनी आने वाली है? 14 बोट आने वाली है। बाकी स्नेत पे भी लगा हुआ है, स्नेत पे भी कई जने अभी स्नान कर रहे हैं, आपको मैं दिखाऊंगा कि अभी अभी जो स्नान कर रहे हैं। मतलब कि अगर मैं यही टाइम थोड़ा लेट कर देता, थोड़ा लेट आता, तो भीड़ देखने को, क्राउड देखने को और मिल जाएगा, ठीक है। बाकी ओवरऑल धर्मशाला हो गई हैं, जो होटल हो गए, ये काफ़ी बुक को चल रहे हैं, और सड़क पर भी मतलब कि पूरे कुरुक्षेत्र में माहौल दिख रहा है कि हाँ अभी ग्रहण आ रहा है ज़बरदस्त वाला, ठीक है। तो टेंशन ना ले, इसमें मैं एक पार नहीं करता, ये ऐसे ही आती है, मैं कुछ नहीं डिलीट करता, बाद में सुनने आ जाता है कि भाई वीडियो डिलीट कर देता है। मुझे काफ़ी जन कमेंट करते हैं भाई, ओवरऑल मैं बता दूं कि मैं वीडियो जब शूट करता हूं उसमें मैं कुछ नहीं डिलीट करता, हाँ वो पार्ट डिलीट कर देता हूं जो बैकग्राउंड में म्यूजिक आता होता है, वो पार्ट मैं डिलीट कर देता हूं, और ये म्यूजिक आ गया। उधर गाने चल रहे थे, राधे राधे वगैरह सॉन्ग चल रहा था, तो इसलिए मैं इस साइड आ गया हूं। तो चलो आपको थोड़ा क्राउड दिखा देता हूं जो स्नान कर रहे हैं, मतलब कि अभी चल रहा है जो भी अभी रश भीड़ आपको दिखा सकता हूँ। इधर देख सकते हो पीछे कपड़े कपड़े सूखने हो गए, इधर देख सकते हो कि दूर दूर से आ रखे बस से बुसे, बाहर का भी दिखाऊंगा, बाहर से दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि ओवरऑल कितना रश है यहाँ पे, मतलब कि है कि हाँ 15 लाख का अनुमान लगाया तो
मान के चल लो 5 लाख तो कन्फर्म लिया, और 5 लाख क्राउड बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर बार के हिसाब से देखा जाओ तो मुझे लग रहा है कि कुरुक्षेत्र में ऐसे वाले जो श्रद्धालु है या जो स्नान करने आए हुए हैं वो ओवरऑल मेरे हिसाब से जो मैं अभी देख आते हुए शूट करने के लिए जब आ रहा था जो मैंने देखा है तो ओवरऑल मेरे हिसाब से मिनिमम नहीं तो 2 लाख लोग कुरुक्षेत्र में आ चुके हैं जो धर्मशाला मैंने देखी है, जो जैसे धर्मशाला में कवर किया है तो उसी हिसाब से मुझे लग रहा है कि इतने लोग आ चुके हैं। बाकी पूछेंगे कहाँ कहाँ से आए, क्राउड देख सकते हो कि काफ़ी क्राउड है, ठीक है। इधर से देख सकते हो ये दूर दूर से आए हुए हैं नहाने के लिए, ठीक है। इधर ये तो अपने एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। इधर देख सकते हो इधर स्नान भी कर रहे हैं कहीं, मुझे तो पानी से देख के डर लग रहा है। उधर कपड़ों कपड़ों से अनुमान आपको लग जाएगा, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे मेल और फीमेल पुलिस फोर्स भी बुलाई गई है काफ़ी तरह की, मतलब कि काफ़ी तरह की बोल रहा हूँ सॉरी, काफ़ी मात्रा में, मतलब कि 5000 अनुमान लगा रहा है कि 5000 जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पे आई हुई है, मतलब कि 5000 पुलिस फोर्स आई हुई है। तो हिसाब लगा लो कि पब्लिक क्राउड कितना आने वाला है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो कि इधर सारे कपड़े कपड़े सुखा रहे हैं, सारे ने अभी स्नान एक बार कर लिया है। तो ये ग्रहण भले मतलब कि आज भी सुनने में आया कि हाँ अभी जिन्होंने आज स्नान करना है वो एक दिन रात रहेंगे यहाँ पे। आप देख सकते हो कि बिस्तरे बुस्तरे का जुगाड़, मतलब कि जहाँ जहाँ सूत मिल रहा है वहाँ वहाँ लगा रहे हैं, बैठ रहे हैं, अपना पूरा पूरा जुगाड़मेंट सेट कर रहे हैं, ठीक है। कल को यहाँ पे होगी भड़ाले वाली भीड़। और सबसे बड़ा मुश्किल बात क्या है, मुश्किल बात ये है कि जो मुझे सुबह उठना पड़ेगा, मतलब कि जहर वाला, मतलब कि मैं सुबह और उठ जाऊँ और ऐसे, मतलब कि पहली बात तो मैं सोता बहुत लेट हूँ, मुझे 3 बज जाते हैं सोते सोते, और उठने का सिस्टम ये रहता है कि अपना उठते हैं 11-12 बजे, ठीक है। और अपन जल्दी उठना बनाया कल, क्योंकि 8:15 पे ग्रहण है, ठीक है। 8:15 पे पता नहीं 35 जो भी है, मुझे तो यहाँ 8 बजे पहुँचना पड़ेगा हर हाल में। तो इधर देखते हो पूजा का सिस्टम भी चल रहा है, और एम्बुलेंस भी खड़ी हुई है, ये बैक में एम्बुलेंस भी खड़ी हुई है, स्ट्रेचर भी है, और यहाँ पे मेडिकल लगा हुआ है, शायद बिल्कुल फ्री है या इनकी तरफ से लगा हुआ है, फ्री है या नहीं है। यहाँ पे वो वॉकर भी है यहाँ जो नहीं चल सकते, ठीक है, उनके लिए, ठीक है। बाकी ओवरऑल जहाँ पे माहौल हो चुका है ग्रहण वाला पूरा एकदम ज़बरदस्त वाला, आपको बिस्तरे दिखा देता हूँ। बाकी उस साइड भी बिस्तरे लगे हुए हैं, सारी जगह पूरा मेला दिखाने वाला हूँ आपको, क्योंकि कितने श्रद्धालु आ रखे हैं। मैं आपको देख सकते हो कि ये दूर दूर से आ रखे हैं अपने रजाइयाँ कंबल लेके, ठीक है ना। अब तो आपको अनुमान हो ही गया होगा कि कितने जने हैं जो दूर दूर से आ रखे हैं। अभी हम किसी से पूछ लेंगे कि कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, किन से पूछ लेंगे, ठीक है। इधर ये अनुमान लगा रहे हैं कि हाँ अभी कहाँ नहाने के लिए सही रहेगा। जो तो आज आ गए हैं वो तो बेटर रह जाएंगे कि उनको एक बढ़िया प्लेस मिल जाएगी। बाकी जो बाहर वाली साइड में भी इन्होंने इस साइड यहाँ पहले झूला लगे हुए थे वहाँ पे इन्होंने रहने के बंदोबस्त किया है, टेंट वूंट लगाया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी क्राउड देख सकते हो आप, अभी वैसे पता होना चाहिए बताने से पहले। तो यहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी है, अगर पूरे मतलब कि ब्रह्मसरोवर में किसी की चोट लग जाती है तो यहाँ पे शॉप नंबर है गया ये 96, ठीक है। यहाँ पे आपको सुविधा मिल जाएगी पूरी, मतलब कि आपकी मतलब कि अगर आप चोट लग जाती है मलहम पट्टी सारी की जाएगी। क्या होता है कि ओवरऑल जहाँ फिसलन रहती है तो केवल गिरने के बाद चोट लग जाती है, तो वो करेंगे कि ना लगे। तो चलो अंदर दिखा देता हूँ मैं आपको देखने के लिए, ये सारा एरिया देखने आ गया, सही है ये लोकल कुरुक्षेत्र से। तो फ्रेंड्स अब आप मैं आपको शॉप दिखा देता हूँ कि ओवरऑल ये शॉप नंबर आप देख सकते हो, बाई चांस आपके चोट लग जाती है तो आप यहाँ पे आ सकते हो, ठीक है। बाकी 108 नंबर पे मतलब कि एम्बुलेंस भी है, अगर बाई चांस एमरजेंसी पड़ती है तो ये जल्दी पहुँच जाएगी। जिसकी चोट लग जाएगी उनके लिए बंदोबस्त कर रखा है कि अगर चोट लग जाती है तो ये यहाँ पे जो मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाएगा बिल्कुल फ्री है। जैसे कि कहीं को ज़्यादा चोट लग जाती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाती है, कहीं को घबराहट हो जाती है, तो यहाँ पे पूरा बंदोबस्त किया हुआ है, ये चेक कर सकते हो आप, ठीक है ना। यहाँ पे इधर भी स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं, व्हील चेयर्स पड़ी हुई हैं, क्योंकि पब्लिक इतनी ज़्यादा आ रही है तो बंदोबस्त अच्छे से होना चाहिए। तो ये देख सकते हो कि सारे अपने अपनी ड्यूटियों पर लगे हुए हैं ये सारे, ठीक है। तो चलो अब आगे चलते हैं, मैं आपको आगे दिखा देता हूँ क्या है क्या नहीं है, ठीक है जी। आप देख सकते हो स्ट्रक्चर्स एकदम चकचक स्ट्रक्चर है, ठीक है। एम्बुलेंस 108 नंबर पूरा है, अगर आपको कोई दिक्कत हो जाए आप 108 नंबर कर सकते हो। अगर आपको कोई थोड़ी मोटी चोट लगे तो आप खुद भी आ सकते हो शॉप पे 96 पे, ठीक है। तो चलो कि आपको समझ में आ गया होगा, अगर आप ब्रह्मसरोवर आ रहे हो स्नान करने आ रहे हो बाई चांस आपको मलेरिया अगर ठंड लगी, वैसे तो दुआ कर रहा हूँ कि आपको कुछ ना हो, पर पानी में जाते समय एक चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ फिसलन आती ही आती है। वैसे रोज़ यहाँ झाड़ू बजता है और काई कोई को साफ़ किया जाता है। वैसे जब गीता जयंती चलने वाली थी तो इसको अच्छे से साफ़ किया गया है, सरोवर को पूरा खाली किया हुआ, क्योंकि चिंटू को स्विमिंग में यहीं पे कराता था तो इसको सरोवर को खाली किया था। फिर उसके बाद इसकी सीढ़ियाँ साफ़ की गई थी, मतलब कि झाड़ू झूड़ू मारा गया था, उसके बाद इसको भरा गया था। पर क्या होता है कि पानी में अगर 24 घंटे भी कोई चीज़ रह जाए तो उस पर फिसलन तो आ ही जाती है, इसमें कुछ
इसमें किसी का दोष नहीं निकाल सकते कि हाँ भी भाई उसका दोष है। हाँ जी सर, तो वीडियो बनावा बहुत है। हाँ जी सर, इस बार हाँ जी, हाँ जी तो ही आना हो। हाँ जी बिल्कुल, नहीं मेरी भी बना ले थोड़ी जी। ये वीडियो बन रही थी, सर कह रहे हैं कि मेरी वीडियो बना लो। सर अपना परिचय दीजिए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम दीक्षित साहनी है और मैं बबैन से ब्लॉक करता हूँ और मैं रेड क्रॉस में ड्यूटी है मेरी और इस पे लगी है मिलने पे। ठंड है बहुत, यात्री आए हुए हैं। हाँ, बाकी चोट जाने वाला जो सिस्टम दिखाया सर की वहाँ ड्यूटी लगी है, आप वहाँ आ सकते हो अगर आपको किसी को कोई जरूरत हो, कोई बीमार हो, किसी प्रकार की कोई दवाई की कोई दिक्कत आए तो प्लीज हमारे पास यहाँ संपर्क करें। हाँ, नंबर एक पर बिल्कुल फ्री है ना। हाँ जी बिल्कुल फ्री। और ये तो ये जैसे 96 है और 96 और कौन कौन से बूथ पे लगी हुई है ये बताना। ये 7 है, 8 है इसके अंदर बूथ। अच्छा, तो फ्रेंड्स ये 8 बूथ है, एक नंबर बूथ है, बल्कि जो शॉप नंबर एक है, ये शॉप नंबर 2 है, मतलब 96 है पर बूथ 7 है, मतलब की टोटल 226 में भी आपको सेम मिल जाएगा। थर्ड है, ठीक है, तीसरा है, उसके बाद 64 ये सर बता रहे हैं, 664 चौथा है और उसके बाद 896 पांचवा है और एक इधर इसमें पश्चिम साइड पड़ेगा। शॉप नंबर बता दो, पता लग जाएगा। शॉप नंबर पे उस पे है 898, ठीक है जी, ठीक है। और एक इसके बाद 1040 ऐसे करीब है इसके अंदर। अच्छा अच्छा, ये 8 बूथ बने हुए हैं, ठीक है, और 8 इनके बाहर हैं। अच्छा, मतलब बाहर भी है और अंदर भी, अंदर भी है, ठीक है। अगर आप बाई चांस आपको बाहर लग जाते, ये नहीं कि आपने सरोवर के अंदर भाग के आना है, तो आप बाहर भी ट्रीटमेंट करा सकते हो। वैसे अगर आपको ज्यादा चोट लग जाए तो आप 108 नंबर पे कॉल कर देना, आपके पास एम्बुलेंस आएगी। 500 वॉलंटियर आए हुए हैं रेड क्रॉस से। अच्छा, मतलब कि आप हिसाब लगा लो, 500 ये हो गए, 5000 पुलिस कर्मचारी हो गए, बाकी और स्टाफ में काफी। सर थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ओवरऑल काफी पब्लिक आने वाली, तो बंदोबस्त भी उसके हिसाब से काफी अच्छा चल रहा है। बाकी मैं पास की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मुझे पास मिल गया तो आप पीछे मुंटी देख रहे हो, मैं इसके ऊपर जाके वीडियो शूट कर पाऊंगा, अच्छे से आपको एक बढ़िया शूट दे पाऊंगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना काफी नहीं है, और दिखाऊंगा मैं आपको। अगर इतना महान मेला है, मतलब कि इतना महान सूर्य ग्रहण है, तो आपको नॉलेज तो होनी चाहिए कि हाँ भी कितना क्या है। हम जो बाहर से आए हैं उनसे भी पूछ लेते हैं आप कहाँ से आए हो वगैरह वगैरह वगैरह, इंटरव्यू ले लेते हैं ना कि हाँ भी आपको यहाँ पे क्या अच्छा लगा, या फिर आप नहाने आए हो, या फिर ठंड से डर नहीं लगता। ये नहीं हो चुका, मजाक कर रहा हूँ, पर फिर भी जिनकी श्रद्धा है वो तो इतनी दूर से आई हैं। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो 5000 पुलिस कर्मचारी आए हुए हैं। अगर 5000 पुलिस कर्मचारी आए हुए हैं तो सपोज करो कि कितनी क्राउड आने वाली है। एवरेज लगा के चलता हूँ कि कम से कम नहीं तो 3 लाख तो मिनिमम आएगी, पर 2 लाख तो मैंने बाहर देख ली, ठीक है। मतलब कि जो ऐसे वाले धर्मशाला देख रहा हूँ ना मैं, क्राउड देख रहा हूँ, जो मैं खुद क्राउड देख रहा हूँ धर्मशाला का, तो चलो थोड़ा बाहर का टूर करा देता हूँ आपको ऐसे ही। क्राउड देख सकते हो, बाहर मैं इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि जो साउंड चल रहा था वो बहुत लाउडली चल रहा था। ये देखते हो बाहर ये पूरी सड़कें बड़ी हुई हैं, ये कर्मचारी आ रहे हैं, काफ़ी आ रहे हैं, एम्बुलेंस 108 नंबर पूरे अपना सेटिंग कर रही है कि हाँ अभी कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। ये सारी हैं, मतलब कि ये देख सकते हो ये सारी शॉप्स, अभी मतलब कि अंदर से ज़्यादा बाहर भीड़ है, क्राउड है, क्योंकि इन्होंने कल स्नान करना है, कई अभी अभी आए हैं और कई कर्मचारी काफ़ी आ रहे हैं, मतलब कि जो श्रद्धालु हो काफ़ी आ रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये आप देख सकते हो भीड़ खचाखच बढ़ रही है, तो चलो आप अंदर चलते हैं। ये आप क्राउड देख सकते हो और ओवरऑल कोशिश रहेगी कि मैं यहाँ से आपको अच्छा शूट दिखा सकूँ, ठीक है। फिलहाल आप देख सकते हो कि हाँ भी यहाँ पे जो श्रद्धालु है वो आने शुरू हो चुके हैं, ठीक है। तो अब नीचे दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ से कल शूट दिखाऊंगा तो मज़ा आ जाएगा, औसम आ जाएगा। बोट्स चल रही हैं, ये चेक कर सकते हो, और बोट्स में ये यहाँ पे 17 बोट्स जो बताई गई है, ठीक है, 17 बोट्स चलेगी। जैसे कि हो जाता है उनका कि अगर क्या होता है कि बाई चांस कोई डूब जाता है तो उनको बचाने के लिए, अगर जब तक बंदा पैदल जाएगा इतनी भीड़ में तो टाइम लग जाएगा, तो बोट्स यहाँ पे कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है। ध्यान रखना है कि ये बचाव दल है, ओवरऑल ये इस बोट पे वो ही बैठ सकते हैं जिनका नाम है बोट, बाई बोट के ऊपर नाम लिखा गया है कि हाँ भी बोट में कौन कौन कर्मचारी बैठ सकते हैं, और बोट में वही बैठेंगे जो ड्राइवर है, ठीक है, नॉर्मल नहीं बैठेंगे। बाकी मुझे भी तो डाइव मारने आती है, तो ये आप चेक कर सकते हो, अभी चेक कर रहे हैं, ओवरऑल सारा एरिया चेक कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अभी इसमें और बोट आनी है, ठीक है, पल्ली साइड में मैं आपको दिखा दूँगा, पल्ली साइड में मैं आपको दिखाऊंगा। पीछे में जो ना दिक्कत ये हो रही है कि मेरे बैक साउंड में ना साउंड चल रहा है कि राधे राधे जो भजन है ना वो चल रहा है, और मुझे दिक्कत यही आ रही है कि कहीं कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए। कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया तो मेरी सारी वीडियो का ऐसी की तैसी फिर जाएगी, जितनी मिनट तक मेरी सारी मिट्टी 1 सेकंड में, ठीक है। पर वो एरिया में काट के ना वहाँ पे म्यूजिक लगा सकता हूँ, मतलब इतना टैलेंट तो है मेरे में, ठीक है। तो अभी मैं आपको परली साइड दिखाने वाला हूँ, ये तो उरली साइड आपको दिखा दी, ओवरऑल मैंने सारा दिखा दिया आपको, अब मैं परली साइड जाने वाला हूँ जहाँ पे भी श्रद्धालु है, ठीक है। तो चलो अब हम परली साइड दिखा देते हैं, उसके बाद वीडियो का एंड करेंगे, और रास्ते में भी क्राउड है,
अगर मैंने शूट किया तो मैं डाल दूंगा बीच में, एंड के पास मैं डाल दूंगा कि रास्ते में बाहर कितना करोड़ है, मैं आपको पूरा दिखा दूंगा। तो चलो अब आगे चलते हैं, थोड़ी वीडियो स्किप कर देता हूँ। अभी मैं मंदिर के पास हूँ, ये बोट मंदिर के पास ही चल रही है, तो अभी हम जा रहे हैं। पर ठंडी हवा जहर वाली चल रही है, चेक कर सकते हो इधर सारे बिस्तरे लगे हुए हैं, पूजा पाजा करने वाला सारा सामान भी पड़ा हुआ है, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे अनाउंसमेंट भी की जा रही है, ये मैं लैंड की पल्ली साइड आ गया, यहाँ पे अनाउंसमेंट भी की जा रही है। अगर लो जी पंडित जी कहते हैं हमारे ऊपर फोकस कर दो, पंडित जी के ऊपर हमने फोकस कर दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे अनाउंसमेंट भी की जा रही है कि श्रद्धालुओं अपना सामान का आप जिम्मेवार है, उनके सामान का ध्यान रखें और ओवरऑल प्लास्टिक ना खिला रहे और जो डिस्पोजल प्लेट है वो भी ना यूज़ करें ताकि साफ सफाई बरकरार रहे। तो ये देख सकते हो कि कई जने कई यूट्यूब पर मैंने देखा हुआ है कि निंदा तो करी जा रही है ब्रह्म सरोवर की, पर काम नहीं दिखा रहे कि हम काम क्या क्या हुआ है, ठीक है। काम ओवरऑल सारा चल रहा है, ठीक है। गेट नंबर मैं एक के पास हूँ, ये एरिया आप देख सकते हो, ये पल्ली वाली साइड है, ठीक है। देख सकते हो मतलब कि यहाँ पे एंट्री के लिए थोड़ा सा एरिया रखा, ज़्यादा नहीं रखा, और बैक साइड में राधे राधे आ रहा है तो दिक्कत ना आ जाए। तो फ्रेंड्स ये है गेट वन से एंट्री करोगे, गेट टू की तरफ जाओगे तो यहाँ काफ़ी क्राउड है, काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इतना ज़्यादा भी नहीं क्राउड है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये अभी काफ़ी जने रथ देखने जा रहे हैं, ठीक है। अभी जो नीचे गीता जयंती के मेले में जो ये बने हुई थी फ्लोर पेंटिंग की थी, ये अभी तक बरकरार आ रहा है क्योंकि ये फ्लोर पेंटिंग पेंट से हुई है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो भीड़ कितनी है, वैसे इतनी भीड़ नहीं है ना, भाई कल भीड़ देखने वाली होगी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 50,000 श्रद्धालु तो अभी तक यहाँ के आ ही गए होंगे, क्योंकि मैंने ओवरऑल सारा ब्रह्म सरोवर नहीं राउंड मारा ना, तो इसलिए तो 50,000 तो हो गए शायद, इतने 50,000 तो हो ही गए होंगे। बता दूँ अंदर से ज़्यादा बाहर ज़्यादा क्राउड है, बाहर से अंदर आना ज़्यादा मुश्किल है, और बाहर तो चल रहा है काम, बाहर का तो चल ही रहा है। तो ये हाँ काफ़ी यूट्यूबर है, अकेला नहीं भाई, टिकटॉक बना रहा है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना हमने। तो अभी मैं रथ के पास जा रहा हूँ, रथ वाला एरिया दिखाएंगे, उसके बाद क्या कहते हैं और तक लिया नहीं करना, ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो हम जा रहे हैं रथ के पास, और वहाँ पर एक भजन चल रहा है, श्री राधे राधे यो चल रहा है, तो उस लिए मैं बीच में कट कर देता हूँ, ठीक है। तो ब्रेक डाउन, ठीक है ना। नीचे फ्लोर पेंटिंग बढ़िया चल रही है ना, जहर वाली, ये जहर वाली ये पेंटिंग तो मैंने आपको पहले भी दिखाई हुई है। तो चलो अब सीधा रस के पास चलते हैं। बढ़ गया, मुझे कमेंट किया था भाई ने कि यहाँ पे कोई क्या नाम है, नाम भूल गया, उनका इंटरव्यू लेने के लिए बोला था, मैं सॉरी उनका नहीं ले पाया क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं लगा। तो ये देख सकते हो ये मंदिर है, ठीक है, और यहाँ पे गुरुकुल वाले भी शख्स है, ये देखो बिस्तर कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, ठीक है। और ये आरती वाला सूर्य ग्रहण वाले दिन जब आरती होगी, ये देख सकते हो वो भी सजावट कर दी गई है पूरी पूरी, और रथ के पास कितने काफ़ी बंदे आए हुए हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे होगी आरती, ठीक है, सूर्य ग्रहण पे, ठीक है, काफ़ी उन्हें करेंगे यहाँ पे आरती, और यहाँ भीड़ भी काफ़ी होगी, वैसे ओवरऑल सारा ब्रह्म सरोवर बड़ा होगा, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ठीक है, ये है रथ। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो ये है रथ, ठीक है। ब्रह्म सरोवर में जो मेला होता है उसके लिए तो सारे लोकल ही आते हैं, पर सूर्य ग्रहण में सारे आउट ओवर आ रहे हैं, बल्कि ओवर जो बाहर से आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हाँ भी कोई लोकल वाले नहाने वाले आए, श्रद्धा फटे कहीं आ रहे हैं रथ में, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो कि हाँ भी काफ़ी आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये ओवरऑल आप देख सकते हो। चलो पूछते हैं कहाँ कहाँ से है, कौन कौन है, पर मुझे ना ये काम करना नहीं आता, ठीक है। ये चेक कर सकते हो कि फोटो जन खिंचा रहे हैं, ठीक है, अगर आपने फ़ोटो देनी है ये सहज है, ठीक है, इनके अलग अलग पैसे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपने रथ के पास फ़ोटो खिंचानी है और यहाँ पे आपको मिल जाएगी फ़ोटो तुरंत की तुरंत, यादगार के लिए, याद रखने के लिए, क्या लोकल वालों को तो पता ही होगा, ठीक है। जो आप देख सकते हो कॉल सारे जने आए हुए हैं, ठीक है, ये पता नहीं क्या सिस्टम हो रहा है, ये शायद फ़ोटो का सिस्टम हो रहा है, ठीक है। ये देख सकते हो ओवरऑल सारे जने आए हैं, ठीक है। तो चलो थंबनेल के लिए ये मैं फ़ोटो खींच रहा हूँ, कैसी लगेगी, सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण मतलब कि कुरुक्षेत्र में, वाह बहुत जहर वाली फ़ोटो आएगी ना, मतलब कि थंबनेल के लिए एक जहर फोटो, ठीक है ना, ए चक, ठीक है फ्रेंड्स। अब बैक कैमरे से दिखा दो, कुछ एरिया देख सकते हो आप, टाणा ना ये भी लिखा हुआ, ये चेक कर सकते हो, ठीक है। हेलो टेक्निकल मनी, क्या तो भी ये अपने व्यूजर है जो कि हमारी वीडियो देखते हैं, तो ऐसे बेचारा घूम यूँ था। हेलो, नाम बता दे, नाम बता दे फिर, बेबी नाम क्या है, भूल गया, ठंड के बारे में भूल गया, क्या बुलाते घर में, बोलो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब उन्होंने बोल दिया, थैंक यू बाय।
सारा शूट कर लिया है। आई होप कि आपने जो मैंने सड़क में शूट किया है या नहीं किया जो मुझे पता नहीं है अभी, क्योंकि सड़क का शूट मैं तभी कर पाऊँगा अगर मेरे पास टाइम हुआ या भीड़ कम हुई तो, ठीक है। तो अगर आप मैंने शूट किया हो तो आपको पहले देखने को मिल गया होगा। तो ओवरऑल मैंने काफ़ी मेहनत की है वीडियो के लिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। सूर्य ग्रहण वाले दिन भी मैं आपको अच्छी शूट करके दिखाऊंगा, वीडियो ग्रहण होगा पूरा जबरदस्त वाला है। ये ग्रहण जरूरी क्यों है, ये मैंने जो पहला पार्ट डाला है उसमें आपको पता चल गया होगा कि ये ग्रहण जरूरी क्यों है, मतलब कि इतना महत्व क्यों है इस ग्रहण का। तो पहले पार्ट में सर ने बता दिया है, वो सर ने आपने आपको अच्छे से डिटेल से बताया कि ये कुरुक्षेत्र कैसा हुआ, कैसे बना था, कि इसकी हिस्ट्री क्या है और ये ग्रहण क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये सारा बता दिया था क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, मुझे तो सिर्फ ये बताया कि मेला, मुझे कमेंट आई थी कि कवर करना, तो हमने कवर कर दिया। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाय फ्रेंड्स। वीडियो लंबी है उसके लिए सॉरी, थैंक यू वॉच द वीडियो और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहे, बाय। और हाँ, एक चीज़ तो हो रहा है बाय, तो हो गया एक चीज़ और बता नहीं कि 50K सब्सक्राइबर हो गए, अब इतनी जल्दी जल्दी सपोर्ट करना कि 1K सब्सक्राइबर बन, 1K नहीं 100K सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी। इसने मेरी पहले मेरी फोटो ले ली, ठीक है, और बाद में मुझे बताया कि ये यूपी से है। यूपी तू इतनी ठंड में नहा लेगा? हाँ, घर वालों को जबरदस्ती उठा लाए। नहीं, मैं नहाने नहीं आया, मैं घूमने आया, मेला देखने आया है। और वैसे यूपी से है परमानेंट? हाँ। अभी यूपी से आए हो, बस में आए हो? नहीं, गाड़ी से आया। अपनी अपनी गाड़ी तू चला के लाया? नहीं, बल्कि फैमिली के साथ आया हो ना। कितने जने आए तुम? तू भी आ जा, ये ये नहीं आ रहा कैमरे में, जी नहीं आ रहा। तो ये भी कैमरे से, तू भी यूपी से ही है? तू पड़ोसी है मेरा। अच्छा, कितने जने आए तुम? टोटल कितने जने आए? इसकी फैमिली हमारी, मतलब कि 10 जने? नहीं, 8 जने। 8 जने आया ये, पर ये नहाएगा नहीं ये शख्स। नहा लेना बेटा, सारे ग्रह चले जाएंगे, घर जाके नहा लेना, बाल्टी उठा के बाथरूम में जाके नहा लेना, चलो कोई बात नहीं। और इन्होंने मेरे साथ फ़ोटो खींच ली यार, पता नहीं क्या होगा मेरा, कहाँ कहाँ वायरल कर देंगे ये पता नहीं। तो फ्रेंड्स, यूपी से आया है, अरे मेन टॉपिक पे आते हैं। तो थैंक यू। तो मैं बता दूँ कि जो सूर्य ग्रहण का टाइमिंग है, ये कार्ड निकालते हैं आई थिंक 50 रुपये का भी निकालते हैं, 80 का भी निकालते हैं और 100 का भी निकालते हैं। वो लगे ना फोटो साइज, अगर आपको कुछ जानना है तो वहाँ से पता लग जाएगा आपको। फोटो अगर आपने इसके रथ के साथ फ़ोटो खिंचानी है ना तो आप वहाँ से पता चल जाएगा आपको, बता देंगे वो। आप कहाँ से आए हो? पटना जिला से। पटना जिला से, मतलब कि ठंड में अपना स्नान करोगे, नहाओगे? अच्छा, और क्या बात, नहाओगे ठंड में? ठंड नहीं लगेगी? ठंडी लगेगी तो क्या करेंगे, बिहार छोड़ के आ गए हैं दूर, अपना धर्म करेंगे ना। अच्छा, और कल फिर आप कितने बजे, 10 बजे नहाओगे या 10 बजे के बाद? बाद में खत्म हो जाएगी तब नहाएंगे। जैसे कि 11 बजे आप नहाओगे, 11:30 बजे? 11:30 में 10। और आप कितने जने आए हो, बस में आए हो, गाड़ी में आए हो? हम लोग सफर में आए हैं, दो आदमी, यहाँ पर बेटा रहता है। अच्छा, यहाँ पे आपका बेटा रहता है और आप इतनी दूर से आए हो, ठीक है। वहाँ वहाँ से आपको सारा कुछ पता चल जाएगा, वहाँ से अगर आपको पता चलेगा ना फोटो कितने की लेनी है, वो यहाँ रथ के साथ आपकी फ़ोटो खींच के आपको बता देगा कितने की लगेगी, फ़ोटो के साइज के हिसाब से। अगर साइज बड़ा होता जाएगा पैसे बढ़ते जाएंगे, अगर साइज छोटा रहेगा तो पैसे कम रहेंगे, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से छोटी लेना, बड़ी मत लेना, क्योंकि बड़ी फोल्ड जल्दी ख़राब हो जाएगी ना जल्दी, फिर वहाँ जाके बड़ी करवा लेना उसको, हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ से जनता आ रही है आपको पता हो गया। तो ओवरऑल मैं एक चीज़ बताने के लिए ये द्वारती में आया था, एंड करने से पहले मैंने कहा चलो बता दूँ कि सूर्य ग्रहण है जो, आई थिंक मुझे कंफर्म नहीं है, मैं थोड़ा मिस कर गया हूँ, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि 8:15 पे लगेगा शायद, ठीक है, मतलब कि 8 बजे स्टार्ट हो जाएगा और ये 11 बजे के आसपास ख़त्म होने वाला है, 10:55 पे ख़त्म होगा। ख़त्म होने का टाइम मुझे याद है, रिमेंबर है, पर 11 बजे तक लगा लो, 11 बजे तक पूरा ख़त्म होगा, 8 बजे स्टार्ट होगा, 11 बजे ख़त्म होगा। तो ये था टाइमिंग, ठीक है। तो काफ़ी दूर दूर से आए हुए हैं, मतलब कि मेरे तो कान अभी ठर रखे हैं और मैं पानी के बाहर, सपोज करो कि जो पानी में जाएंगे उनका क्या हाल होगा, ठंड लग रही है। तो फ्रेंड्स बाय, और हाँ वीडियो में मैं फिर दोबारा आ गया उसके लिए सॉरी, और बस यही रहता है कि मुझे आपको बेस्ट छूट दूँ और बेस्ट बेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे दूँ, ठीक है। कमेंट बहुत आए थे कि सूर्य ग्रहण कवर करना, अदरवाइज सुनने में आ रहा है कि जुलाई में फिर आ रहा है, वो नहीं मैं कवर करूँगा, ठीक है। और ये भाई फोटो का सारा बता रहा है, फोटो का सीन बताऊं, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो मैं फोटो का सीन बताता हूं। भाई को पकड़ लेते हैं, भाई को पकड़ लेते हैं। भाई पहले मुझे फोटो का रेट बता दे एक बार। हाँ जी, फोटो कितने से स्टार्ट हो जाती है, कितने तक एंड है? 30 रुपये। 30 रुपये से स्टार्ट है, मैं 50 रुपये से कर रहा था, बचाई एंटी अभी डरा दी, मतलब 30 रुपीज़, 50 रुपीज़, हाँ 100 रुपीज़, हाँ 30 रुपीज़, 50। मैं दिखा देता हूँ भाई, आ जा तू मेरे साथ ही आ जा, मैं फोटो में दिखा देता हूँ 30 रुपये वाली केड़ी है, भाई को पकड़ लिया हमने, 30 रुपये वाली केड़ी है भाई। अब बताता यार 30 की कौन सी है, 30 की ये है, 30 की ये है, 50 की ये है,
और ये सो की है, मतलब ये तीन साइज अलग अलग है, चाहे आप इसको टेढ़ा करके खिंचाओ चाहे सीधा करके खिंचाओ, ठीक है ना। ये आप देख सकते हो तीन साइज है, जोन सी खिंचानी खिंचा ली भाई। शुक्रिया, तेरा नाम क्या है? लोहित भाई। कहाँ से है? यहीं से है भाई। शुक्रिया भाई तेरा। तो भाई पता लग गया 30 रुपये से फोटो हुआ, अगर आप दूर से आ रहे हो तो 30 रुपये की फोटो मेरे हिसाब से खिंचा लेनी चाहिए, एक याद बन जाती है। वैसे तो आप फोटो मोबाइल में भी खींच सकते हो, पर जो आप इससे खिंचा के लेके जाओगे ये कहीं ना कहीं तो टांगोगे, कहीं ना कहीं तो फ्रेम करोगे। तो बाय फ्रेंड्स, बाय, बस अब कर दे खत्म, खत्म कर देते हैं। तो बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो। इस तरह मुझे सपोर्ट करते रहें टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक और कहाँ है दूसरा चैनल, ठीक है, दूसरे चैनल पर सपोर्ट करें। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो। और हाँ, बीच में थोड़ा बहुत मजाक कर लेते हैं तो उसको थोड़ा ओवर सीरियस मत लेना, बोलने गया तो आपको पता ही मेरी। तो बाय, थैंक यू फॉर द वीडियो फ्रेंड्स। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें मेरे चैनल को। ये है स्विमिंग बाय मनी, इसको आपने सपोर्ट किया, बहुत बहुत थैंक यू। ये है टेक्निकल लवली मनी, जिसके ऊपर मैं गैजेट्स की अनबॉक्सिंग करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, थैंक यू फॉर द वीडियो।